रसायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण आम क्षारक एवं लवण धातु अधातु कार्बन एवं यौगिक कार्बन अधिकतर का वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन एवं उसका प्रबंधन। बोलो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किसी समतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वो अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है, तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वस्तु को रखेंगे उत्तल दर्पण में अनंत पर, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? अनंत पर, फोकस पर बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। चलो अनंत पर है तो कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? तो उत्तल तक पूछ रहे हैं। चलो आगे बोलो। बोल दो दर्पण सूत्र क्या है, फॉर्मूला इसका बोलो। जब वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी के तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध दर्शाता है तो उसे दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बोल दो गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बोलो। गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। प्रतिबिंब कई प्रकार के? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। दोनों अंतर समझा दो। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। आई बोलो चलो बोलो आपका अपने करो सुनो आप दर्पण अवतर मंत्र बोल दो। अवतल दर्पण के प्रवर्तक से घासी हुई होती है, अवतल दर्पण प्रवर्तक के साथ उपरी होती है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों होता है, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। हमने दोनों का आवाज है थोड़ी देर रुक जाएगा आवाज घरे रहने आना, फिर जब भी गप्पी करने का दोनों घरे रहना, आराम से गप्पी करते रहना। कौन सा समानांतर किरण पुंज क्या है? वाजी किरण पुंज की सभी किरण समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का गुण बोलो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सबसे निर्वाती हवा में, उसके बाद निर्वाती हवा में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में होती है। अवतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब संभव है? अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब। कहाँ कहाँ रख सकते हैं? पहला रखेंगे फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच, दूसरा फोकस पर, तीसरा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, और चौथा वक्रता केंद्र पर, पांचवा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, और छठा अनंत पर। बोल देगा आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला बोलो। m बराबर h2/h1 और एक m एक माइनस b बटा f और एक होता है माइनस b बटा u। आगे बोल दो आवर्धन का मात्रक बोलो। आवर्धन का मात्रक, आवर्धन का मात्रक क्या होगा? आवर्धन का मात्रक क्या होगा? दिमाग लगाकर बता देगा, आवर्धन वहां बताए भी थे, पढ़ाने के समय बताए भी थे। आवर्धन का मात्रा नहीं पूछ होगा, नहीं पूछ होगा। आए बोलो गोले दर्पण क्या? वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक तथा गोली होती है उसे गोले दर्पण कहते हैं। कई प्रकार के गोले दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होगा, अवतल दर्पण का काल्पनिक। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करो। अवतल दर्पण में प्रधानस्थ के समानांतर आ रही प्रकाश की किरण प्रवर्तन के बाद प्रधानस्थ के जिस बिंदु पर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बोल दो इसे अवतल सूत्र। गोले दर्पण का द्वारक बोलो। गोले दर्पण के द्वारक, गोले दर्पण के चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। आगे बताएगा त्रिघात बहुपद का मानक रूप ax³ + bx² + cx + d = 0
जीरो हैं वहां तक लोग पूछ रहे a² + bx² + cx + d समीकरण का अंतर बोलेंगे 0 के बराबर बोलो किसका क्या है सुनिए 3 और इधर से अल्फा बीटा गामा तीनों का योगफल बोलो माने बेटा ये दो लगातार का गुणनफल उनका योगफल c/a तीनों का गुणनफल बोलो तो -d/a त्रिघात बहुपद का फार्मूला बोलो तो a x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा * x प्लस में अल्फा बीटा प्लस फिर से बोलो x³ हां माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा * x² माइनस प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा * x माइनस में अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद का है सुनिए 2 और इधर से आएंगे अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद का सूत्र बोलो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा * x प्लस में अल्फा प्लस बीटा माइनस x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा * x प्लस में अल्फा * बीटा ये सब पद्धति कड़े सिखाए थे d बराबर ये चाहे फार्मूला बोलो d बराबर t² माइनस में 4ac और हम आज बताए थे त्रिघात सूत्र बताए थे x बराबर x बराबर अपन t² प्लस माइनस √3 / 2ac गलती है इससे बोलो गलती है t² प्लस माइनस √3 / 2a माइनस में b माइनस में b हां -b² तू लोग नहीं बोले सोचो तो बढ़िया से t² हां इसी गलती को हम लोग इंटरव्यू में सुधारना है यही सब गलती होता है ना तो तुरंत हम लोग ऊपर से आते हैं नीचे सही है जी हट जाओ देखे तो सबके सही है गलती है चलो गाड़ी अभी बचल है खड़ी आई कई दिन बचल है गाड़ी देखते हैं कि कैया समझा देगा पूरा बढ़िया से समझाने का प्रयास किया बढ़िया समझाया।